हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सबको, हैप्पी न्यू ईयर एंड खुश खुश नया साल 2023। और फिलहाल आप सब मस्त होंगे और मस्ती कर रहे होंगे, पिकनिक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है क्योंकि आज नया साल है। तो आप सबको खुश खुश नया साल मुबारक। और देखो, हम अभी फिलहाल हम स्टेशन में हैं, तो आप सबको थोड़ा विश करने के लिए आप सबका फैमिली लोग को और मेरा सब्सक्राइबर लोग को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम फिलहाल बिजी था, और बिजी था मतलब हम चर्च गया, मंदिर गया, सब भगवान के पास गया, तो इसीलिए आज हम ब्लॉग बनने नहीं सका। सब इधर उधर हो रहा था इसीलिए, और हम ब्लॉग बनने नहीं सका इसलिए नो प्रॉब्लम, आप लोग को ब्लॉग मिलते रहेगा। फिर भी आज सभी कोई ब्लॉग बना रहा है और सोच रहे होंगे शायद हम क्यों नहीं बना रहे, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे। और आज हम नहीं बनाया क्योंकि हम अभी बताया थोड़ा कुछ देर पहले, हम बताया कि आज इधर उधर जाते जाते मेरा टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब वेस्ट नहीं हुआ है, अच्छा ही हुआ है, क्योंकि आज ब्लेसिंग्स मिलना बहुत जरूरी है और आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आप सबको मेरे तरफ से इस ईयर का 2023, दिस ईयर ब्रिंग्स यू लॉट्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। तो मैं यही छोटा सा आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ कि ये साल हमेशा खुश रहेंगे और स्माइल करते रहेंगे, हमेशा दुख तकलीफ में साथ देंगे। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब कोई पिकनिक में बिजी है और सब कोई इधर उधर जा रहे हैं, तो संभाल के रहिए। और क्योंकि आजकल बहुत कुछ सडनली एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसीलिए आप सब हमेशा अपने आप को संभाल के रखिए क्योंकि वी आर द प्रीसियस। तो इसीलिए आप सब हमेशा खुश रहिए, और पिकनिक भी जाएंगे तो अच्छी तरह से जाके फिर वापस ले आना चाहिए, और हमेशा स्वस्थ रहे। और इस साल का आप सबको हमेशा मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो थैंक यू और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।